एक्सप्रेस का नंबर वन शो ताल ठोक के, और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच शुक्रवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर निजी बिल पेश किया गया, प्राइवेट बिल पेश किया गया। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीना ने बिल पेश किया। गौर करने वाली बात यह रही कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया, कहा इससे देश के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचेगा। इन सब के बीच गुजरात में चुनाव जीतने के फौरन बाद गुजरात बीजेपी के विधायक दल के नेता भूपेंद्र पटेल ने पहली ही बैठक में यूसीसी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि यूसीसी पर कमेटी बनाई जाएगी और इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि विपक्ष राज्यों में यूसीसी लागू करने के बीजेपी के वादे पर सवाल उठा रहा है, इसे झूठा बताता आया है, उसे राज्य की बजाय केंद्र का अधिकार बताता है। और साथ ही विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि राज्यों में लागू करने में बहुत सारी अड़चनें हैं। तो सवाल ये भी है कि आदिवासियों के लिए समान नागरिक संहिता कैसे लागू की जाएगी, और एक सवाल ये भी है कि अगर ये संसद का मसला है तो फिर केंद्र एक कानून लाकर, एक बिल लाकर समान नागरिक संहिता को लागू क्यों नहीं कर देता? इसे किश्तों में राज्य राज्य क्यों घुमाया जा रहा है? क्या ये सिर्फ चुनाव में माहौल बनाने की एक जुगत है जैसा कि विपक्ष कहता है, या फिर इसके पीछे वाकई देश में लोगों को एक बेहतर कानून देने की कोशिश है, सबको बराबरी पर लाने की कोशिश है जिसकी वकालत बाबा साहेब अम्बेडकर ने की थी? सवाल ये भी उठता है कि कहीं ये 2023 के विधानसभा और 2024 के आम चुनावों के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार तो नहीं है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। Union Civil Code and its implementation. अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे कहा है, कई हाई कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र को समान नागरिक संहिता लानी चाहिए, क्योंकि इसमें रिलीजन के आधार पर, जाति के आधार पर, रेस के आधार पर और सेक्स के आधार पर बहुत भेद हैं। नॉन इश्यू को इश्यू करना बीजेपी का काम है। हर चीज में कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे सोएगा, ये सारा चीज लेके बीजेपी बात करता है। हमेशा हमेशा ये सब जो नॉन इश्यू है वही लेके बात करता है, ये सही नहीं है। कमेटी की रचना कर दी गई है और जो भी उसकी भलामण आएगी उसके द्वारा ऊपर काम करेंगे हम। पहले भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ लागू करेंगे, उसके लिए कमेटी भी गठन की थी, तो उसको उस पर तो काम होगा ही, लोगों ने इतना प्यार दिया है तो निश्चित रूप से स्ट्रॉन्गली काम करेंगे। कोई स्टेट गवर्नमेंट का हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट का एक्ट है। हम यूसीसी के प्रति कटिबद्ध हैं और बहुत जल्दी हम यूसीसी लाएंगे। हम लोग एतराज करते हैं, ये विधेयक जो इंट्रोड्यूस किया रहा है ये अपने आप संविधान के खिलाफ है। हमारी संस्कृति, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सबको बर्बाद करने के लिए सब ये आया जा रहा, देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत ही नहीं है भारत को, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बीजेपी का एजेंडा है। देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भरोसा दे रही बीजेपी इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ी है। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीना ने राज्यसभा में हंगामे के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड पर निजी बिल पेश किया। बिल पेश करने के पक्ष में 63 वोट डाले गए, वहीं विपक्ष में सिर्फ 23 वोट पड़े। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीना ने बिल पेश करने के बाद जी न्यूज से बातचीत की। देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता का मतलब समान विधि, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो। अभी धर्म जाति के आधार पर विधि विधान बना हुआ है। आपको साहबानो का केस याद है, उस समय चीफ जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि देश में नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। बीच में चीफ जस्टिस खरे ने भी कहा था कि नागरिक संहिता देश में लागू की जानी चाहिए, समान नागरिक संहिता। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर कहा है, कई हाई कोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र को समान नागरिक संहिता लानी चाहिए। आर्टिकल 29 भारत का भाजपा वालों क्या है? कल्चर की हिफाजत, जबान की हिफाजत, लैंग्वेज की हिफाजत एक फंडामेंटल राइट है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर आर्टिकल 29 के खिलाफ कोई कानून बना सकता है? मुझे अख्तियार है अपनी तहजीब को बचाने का, क्या आप मेरी तहजीब को मुझसे छीन लेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर?
नॉन इश्यू को इश्यू करना बीजेपी का काम है। हर चीज में कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे सोएगा, ये सारा चीज लेके बीजेपी बात करता है। हमेशा हमेशा ये सब जो नॉन इश्यू है वही लेके बात करता है, ये सही नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने समान नागरिक संहिता बिल को संविधान के खिलाफ बताया। सारे विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध किया और कई कारण और वैधानिक, मैंने कहा, मैंने संविधान को कोट किया, ये विधेयक जो इंट्रोड्यूस किया रहा है ये अपने आप संविधान के खिलाफ है। संविधान ने माइनॉरिटीज के कल्चरल एजुकेशनल सारे राइट्स को प्रिजर्व और फंडामेंटल राइट्स में डाला था कि अपने को अपने तरीके से मैरिजेस रिलीजियस सबको मैनेज कर सकें। अगर नागरिक संहिता की बात करते हो तो मुस्लिम्स में चचेरी बहन से शादी करना सबसे अच्छा माना जाता था, क्या हिंदू तैयार है इसके लिए? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी कॉमन सिविल कोड के जरिए असल मुद्दों से देश का ध्यान भटका रही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय उपाध्याय हैं, सैयद असीम वकार एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, हमारे साथ मनोज यादव काका समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हैं, और यास्मीन फारूकी नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई की, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मनोज काका, सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? सरकार तो यही दलील दे रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है और हम उसे ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, सरकार जो दलील दे रही है, सरकार के जो दलील के पीछे उनका मनसा क्या है, मंतव्य क्या है, ये भी तो देश को जानने का पूरा हक है। और हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की भी बात करी गई है, उसके प्रस्तावना में भी, तो सबके रीति रिवाज, सबके धार्मिक रूप से स्वतंत्र होने की जो मान्यता है, हमारी संवैधानिक प्रथम मान्यता है। अगर आपका संविधान की प्रस्तावना पढ़ें तो उसी में ये बात कही गई है। जो सरकार इस देश के लोगों को भयंकर महंगाई में ढकेल सकती हो, जो सरकार भयंकर बेरोजगारी के मुंह में ढकेल सकती हो, जो सरकार के राज में इस देश के एयरपोर्टों और बंदरगाहों पर बड़े मात्रा में ड्रग्स पाए जा रहे हैं, उस सरकार से ये उम्मीद कर लेना कि एक कानून बना के सबके साथ समता का व्यवहार करेगी, ये कहीं से भी जायज नहीं है। सरकार से हम ये जानना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, गन्ना किसान पूछ रही हूँ, जवाब आप चले गए गन्ना किसान, देश के बंदरगाह और पता नहीं कहाँ कहाँ। सर नहीं, जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसी सवाल का ही मैं जवाब दे रहा हूं। क्या जवाब है ये सर? भाई यूसीसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आपको यूसीसी से प्रॉब्लम है या बीजेपी से प्रॉब्लम? जो हमारे नेता ने बयान दिया है, जो विपक्ष के तमाम लोगों ने कहा, आप संविधान का समग्रता से अध्ययन करिए, और संविधान के समग्रता के का अध्ययन यही है कि सभी की धार्मिक मान्यताएं बची रहें। और सरकार ये चाहती है कि एक धर्म विशेष का ध्रुवीकरण करके, और बाकी हमारे यहाँ आदिवासी समाज की अपनी मान्यता है, जैन की अपनी मान्यता है, बौद्ध समाज की अपनी मान्यता है। संविधान की बात कर रहे हैं तो यूसीसी का जिक्र संविधान में नहीं है क्या? जी बिल्कुल है, आपको प्रस्तावना भी पढ़ना चाहिए। मैं ये कह रही थी मनोज काका, मैं सब पढ़ा हुआ हूँ, इसीलिए शायद आपको 46 याद रहा, 44 भूल गए आप। ये लड़ाई हमारी आपकी नहीं है। नहीं, मेरी तो लड़ाई है ही नहीं आपसे सवाल पूछना, लड़ाई नहीं होती मनोज जी। सुनिए, आपसे सवाल पूछना ये लड़ाई नहीं होती। अरे मनोज जी 44 करोड़ लोगों की है। हाँ, नहीं नहीं, सुनिए, सवाल पूछना लड़ाई नहीं कहलाता। जी, वाद विवाद के मंच पर जब आते हैं तो सवाल पूछे जाएंगे, उनके लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर आर्टिकल 44 की बात हो रही है तो फिर आर्टिकल 44 की बात करनी पड़ेगी, 46 की बात नहीं कर सकते तब। ये है आर्टिकल 19 की बात नहीं करेंगे आप? नहीं, आप आर्टिकल 44 की बात क्यों नहीं करेंगे? यूसीसी का जिक्र कहां पर है सर, आप ही बता दीजिए मुझे। आप उसी आर्टिकल की बात करेंगे जो इस विषय को आच्छादित करता हो, आप दूसरे आर्टिकल की नहीं, जो तो आप बता दीजिए। चलिए बताइए आर्टिकल 46 बता दीजिए, चलिए आर्टिकल 46 बताइए, चलिए आर्टिकल 46 बताइए। बात रखने की वो सब आर्टिकल है, नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल 46 की बात, आप कहां जा रहे हैं सर? आर्टिकल 46 की बात कीजिए ना, आपने आर्टिकल 46 का जिक्र किया, बताइए मुझे क्या लिखा आर्टिकल 46 में।
आर्टिकल 46 में यही तो लिखा है कि प्रदेश सरकार चाहे देश चाहे तो यूसीसी पे कानून बनाए, तो क्या क्या हम सक्षम है? आर्टिकल हम कह रहे हैं आर्टिकल 19 में क्या लिखा है आप ये बता दीजिए, मैंने तो बता दिया आपको। नहीं नहीं सुनिए, आर्टिकल 19 यूसीसी का जिक्र है जो आप कर रहे हैं ना सर, जिस यूसीसी का जिक्र आप कर रहे हैं जी, आर्टिकल 44 में उसका जिक्र है सर, उसमें क्या लिखा है? अरे मैंने कहा कि यूसीसी के लिए संविधान में लाइन है, संविधान में अनुच्छेद है, लेकिन और इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। आप आर्टिकल 46 का जिक्र करते हैं, मैं आर्टिकल 44 की बात कर रही हूं यूसीसी की। आप सरकार मेजॉरिटी में है तो सरकार को अब तक कानून बना देना चाहिए। आप लग रहा है आपके जी न्यूज के चैनल में बनेगा क्या कानून? नहीं आपको क्या दिक्कत हो रही है, सवाल पूछा जा रहा है तो दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत क्या हो रही है? कह रहा हूँ सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनिए, कानून बनाना जी न्यूज का काम नहीं है। नहीं सुन पाएंगे, नहीं नहीं आप नहीं सुन पाएंगे, सुन पाएंगे क्या कर पाएंगे मुझे नहीं पता, सुनिए ध्यान से, आप भी सुनिए। नहीं नहीं सुन लिया मैंने, बहुत देर आपको बहुत देर सुना है मनोज काका, बहुत देर सुना है। अगर आप इस तरह के निजी हमले करेंगे ना कि यूसीसी बनाकर कानून बनाना जी न्यूज का काम है, तो जवाब मिलेगा आपको, तैयार रहिएगा अगला निजी हमला करने से पहले, बिल्कुल तैयार रहिएगा। नहीं नहीं कानून बनाना इस देश में पार्लियामेंट का काम है, अगर एज अ स्पोक्स पर्सन आपको ये भी नहीं पता है तो फिर थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी आप एक धर्म, मुझे प्रेम शुक्ला की आवाज दीजिए, मैं दर्शकों का वक्त जाया करने के लिए डिबेट नहीं कर रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि आप एक धर्म विशेष का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये अभी आपने सुना होगा मनोज काका को कहते हुए, दलीलें गिनवा रहे हैं, या आपने गन्ना किसानों का पकाया नहीं लौटाया, आपने ये काम नहीं किया, आपने रोजगार नहीं दिया, तो आप क्या यूसीसी पर बात करने के हकदार हैं? इनकी दलील ये है। देखिए अदिति जी, समान नागरिक संहिता का जिक्र जैसा आपने कहा, स्वयं संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में इस बात का जिक्र किया, तो क्या संविधान निर्माता जो थे, क्या संविधान निर्माता सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाह रहे थे? भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा ने अगर समान नागरिक संहिता का जिक्र किया तो क्या उनको इन सारे बिंदुओं का उनको ज्ञान नहीं था? ये सीधी सी बात है कि ये संविधान सम्मत प्रक्रिया है और संविधान की समवर्ती सूची में इसको रखा गया है, तो राज्यों को भी इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र को भी इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में हमारी सरकार ने एक समिति बनाई और वहां भी जो है यह प्रक्रिया प्रारंभ, और गुजरात में भी कैबिनेट इस संदर्भ में निर्णय ले चुका है, समिति का निर्माण होगा और वहां पर भी इस संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है किरोड़ी लाल मीणा जी ने राज्यसभा में लाया, जो संविधान सम्मत ढंग से ही लाया गया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है कि कोई भी सदस्य प्राइवेट मेंबर बिल ला सकता है, उसके अनुकूल ही उन्होंने ये लाया है, इसमें असंवैधानिक क्या है? तो अनावश्यक जो है संविधान के नाम की चार, और अगर जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि इससे किसी का धार्मिक अधिकार छिन जाएगा, गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, आप मुझे बताइए क्या गोवा में किसी धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक जो परंपराएं हैं, अपनी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, क्या उनके अनुसरण का अधिकार छिन गया है? क्या गोवा में मुसलमान को नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है, मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं है? है उसको अधिकार, हाँ, लेकिन जहां पर विभेद है, लैंगिक विभेद है, उन लैंगिक विभेदों को वहां समाप्त किया गया है। तो मुझे लगता है कि समान नागरिक संहिता जो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के जमाने से हमारा एक संकल्प है कि हमारे पास जब संविधान सम्मत शक्ति होगी हम करेंगे, तो हम वही कर रहे हैं। ठीक सर, आप ऑपोजिशन से जवाब ले लीजिए। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं गोवा में ये लागू है, किसके अधिकारों में खलल पड़ा इससे? देखिए, प्रेम शुक्ला जी एक विद्वान प्रवक्ता है भाजपा के, और उनको ये सच्चाई भी पता है और इसके पीछे जो राजनीति है वो भी पता है। मैं कहता हूं कि इसको वोट बैंक की राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं, राष्ट्रीय आस्था के प्रश्न के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, और आम सहमति इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा देश है, इतनी विभिन्न संस्कृति है, विभिन्न तरह के धर्म के लोग मानने वाले हैं, रीति रिवाज अलग अलग मानने वाले हैं, परंपराएं अलग अलग है, इस पर एक व्यापक चर्चा होनी चाहिए, बस इतना हमारा एक इसमें है। और निश्चित तौर पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, एक निर्देशन है, ये डायरेक्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है कि राज्य को ये काम करना चाहिए। हाँ, मौलिक अधिकारों में नहीं है, मौलिक अधिकारों में क्यों नहीं इसको रखा गया होगा उस समय,
ये कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि ये बाध्यकारी नहीं होगी। और 25 से लेकर के 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है कहीं ना कहीं उसमें ये बाधा न बने, लेकिन सहमति बनाई जाए और सहमति बना करके इसको लागू भी आगे दुर्गामी हित में किया जाए तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो यूसीसी मैं पर आपको जस्ट उदाहरण देना चाहूंगा अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी पार्टी का स्टैंड में समझना चाहिए। 10 सेकंड सर सुन लीजिए ना, मैं आप ही से सवाल पूछनी हूँ अदिति जी, दर्शकों की क्लैरिटी के लिए आप ही से सवाल है सर। तो कांग्रेस पार्टी को यूसीसी पर कोई आपत्ति नहीं है, यूसीसी आना चाहिए? कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पहले इस पे आम सहमति बने। लॉ कमीशन जून 2016 में जो केंद्र सरकार ने कैसुअल लॉ कमीशन का जो इस काम को सौंपा था और उन्होंने लॉ कमीशन ने व्यापक स्तर पर चर्चा की संस्थाओं से, प्रबुद्ध लोगों से, आप जैसे पत्रकारों से भी चर्चा की होगी अलग अलग तरह से, और जो व्यू पॉइंट आया उसको परामर्श पत्र के तौर पे अगस्त 18 में लॉ कमीशन ने रखा सरकार के सामने, और केंद्र सरकार इसको मानती है, पूछिएगा भाजपा के प्रवक्ता से रखा या नहीं, नहीं और मेरा क्या सवाल उसने क्या रखा परामर्श? मेरा परामर्श सवाल यही रखा गया तो ठीक है सर। नहीं नहीं परामर्श नहीं नहीं सर सुन लीजिए ना, सहमति एक अलग बात है, लेकिन आप मानते हैं यूसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये अलग सवाल है। दो बातें हैं, एक है कि हाँ ये सही है ये आना चाहिए, लेकिन तब आए जब सहमति बने, तो आप ये मानते हैं कि यूसीसी आना चाहिए? मैं आपसे ये पूछूं अदिति जी, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मामला है, आर्टिकल 44 यदि ये कहता है कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए तो इसमें किसको आपत्ति और क्यों आपत्ति होगी? बस उसके मुद्दों की बात है कि ये विधि आयोग पर जाना चाहिए। विधि आयोग ने क्या फारूखी कांग्रेस कह दिया है यूसीसी पर कोई आपत्ति नहीं है, बस सहमति हो। ठीक है सर, अब जवाब दीजिए। यास्मीन फारूखी सरकार कह रही है हम सबको बराबरी पर लाना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या आपत्ति है? अदिति जी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि मीणा जी बिल के लिए तैयार हुए, जिनके यहाँ सबसे बढ़ के ट्राइबल वालों को आपत्ति होगी। वो खुद ट्राइबल से हैं, राजस्थान से हैं, अच्छी तरह जानती हूँ उनके पूरे रस्मों रिवाज से। राजस्थान, मैं पूरी दुनिया की हिंदुस्तान की बात नहीं करती, अदिति जी 2 मिनट सुन लीजिएगा। राजस्थान में हमारे यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक औरत के 5-5 पति होते हैं। अरे एक एनालिसिस तो कर लो मेरे भाइयों, कोई मुसलमानों को आपत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास खाप पंचायत चल रही है, आप उसको रोक नहीं सकते। झगड़े में औरतें उठा के ले जाते हैं राजस्थान में, आप उनको रोक नहीं सकते। आप पहले कानून में एक चीज को हड़बोंग में मत लाइए, आप उस पर पहले एनालिसिस कीजिए, पहले सोचिए तो सही कि आप किस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आप नागालैंड में क्या करोगे? आप क्या मुसलमानों में रात में कभी भी मैरिज हो जाती है, हिंदुओं में एक पर्टिकुलर टाइम निकाला जाता है, अपने एक खूबसूरती है हिंदुस्तान की, रीति रिवाज हैं अपने अलग अलग आप। अच्छा फिर दूसरी बात ये, अगर आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हो, पूरे यूरोप में पूरी और दुनिया में कॉमन सिविल कोड है, क्या वहाँ पे फेरे नहीं होते गैर हिंदुओं के? क्या मुसलमानों के निकाह नहीं होते? सब पहले ऐसे शादियाँ करते हैं फिर कोर्ट में कर लेते हैं। ये देखिए अब जो नया जमाना है उसमें सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी जाहिल नहीं है, अपने अधिकारों को सब जानते हैं। आप मुद्दों पे तो बात ही नहीं करना चाहते हो, आप सिर्फ राजनीति करना चाहते हो, हमें उस पे एतराज है। आप राजनीति मत करो, आप जैसे इलेक्शन आए आप खेलने लगते हो, हिंदू मुस्लिम खेलने लगते हो, कॉमन सिविल कोड खेलने लगते हो। आप मुद्दों, कम से कम जब इलेक्शन करीब हो तब तो मुद्दों पे बात कर लो मेरे भाइयों, तब तक हिंदू मुस्लिम के और इस तरह के छोटे बेवकूफाना मुद्दों को लेके आप जीतना चाहो। ठीक है जवाब तो थोड़े दिन जीत लोगे। मैम अभी जो आप फर्क बता रही थी कि हिंदू कस्टम्स में ये, मुस्लिम कस्टम्स में ये, मैम यूसीसी तो जब आएगा चाहे हिंदू कस्टम्स हो चाहे मुस्लिम कस्टम्स हो सबको मानना पड़ेगा, ये तो सिंपल है, ये सिर्फ एक कस्टम विशेष के लिए नहीं है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया इसके राजनीतिक इस्तेमाल मैम, इसके राजनीतिक इस्तेमाल मैम सुन लीजिए ना प्लीज, आपने राजनीतिक इस्तेमाल का जो सवाल, वो तो करेंगे क्या कोई फेरे किए बिना खारी, अब अदिति जी क्या कोई फेरे भी किए बिना खाली कोर्ट में मैरिज कर लेगा क्या? मुझे ये इस्तेमाल, ये क्या कह रहे हैं, क्या फेरे नहीं होंगे ये कह रहे हैं? ये कहा इन्होंने, प्रेम शुक्ला जी आप ये कह रहे हैं क्या फेरे बंद हो जाएंगे यूसीसी के बाद? ये राजनीति का फंडा है।
पता नहीं ये कहां से, ये कल्पना कहां से आई है तो मेरे समझ में नहीं है। खूबसूरत चीज को एक गुलदस्ते को खराब क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं मैम, हमें इस मुद्दे को भी समझने की जरूरत है। यूसीसी का मतलब क्या ये है कि सबको एक जैसा कपड़ा पहनना पड़ेगा, सबको एक जैसा खाना खाना पड़ेगा, सबको एक ही जैसी चीजें करनी पड़ेंगी, इसका मतलब ये कतई नहीं है। अदिति मुझे पता है ये पता है, ठीक है। अब आपने जो पॉलिटिकल सवाल पूछा उसका जवाब ले लीजिए। शुरू में कहा है क्या ट्राइबल वालों के साथ, ठीक है मैम, आदिवासी उसका एक पहलू है। अब एक सेकंड रुकिए, जवाब ले लीजिए। उसका जवाब का क्या होगा कि जवाब तो ले लीजिए मैडम। एक औरत के 5 हस्बैंड होते हैं हमारे। अरे मैम पता नहीं कहाँ पे 5 हस्बैंड है, मुझे नहीं पता आप कहाँ पे 5 हस्बैंड बता रही हैं। रुक जाइए, प्रेम शुक्ला से जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। हमारे यहाँ ट्राइबल में आइए, बांसवाड़ा में दिखाऊं, बांसवाड़ा में चलिए दिखा दूंगी। मीणा जी अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा मैडम ठीक है, चलिए वो कह रहे हैं तो वहाँ के लिए भी रूल लगा रहे हैं ना, फिर वो वहाँ के लिए भी नियम लगा रहे हैं, फिर इसका मतलब ये हुआ। चलिए जवाब लीजिए अब आप प्रेम शुक्ला से। प्रेम शुक्ला जी ये दो बातें इन्होंने कही है, एक तो अलग अलग कस्टम का जिक्र ये कर रही है, बता रही है कि बांसवाड़ा में महिलाओं के 5 पति होते हैं और इनके अलग अलग अपने दावे हैं यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ये है कि ये कह रहे हैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड इलेक्शन के आसपास याद आती है, आप राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आते हैं। सर ये दो सवाल हैं, आपका जवाब। जी पहली बात तो जब संविधान सभा के सदस्यों ने बात की तो कोई चुनाव किसी की दृष्टि में नहीं था। दूसरी बात, अगर कोई इस पर राजनीतिक परिचर्चा करना चाहता तो किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? भारतीय लोकतंत्र का संचालन संसद से होता है और संसद का जो निर्वाचन है वो राजनीतिक प्रक्रिया है, और अगर जो है जनादेश प्राप्त करते समय कोई अगर विषयों को सामने ले जाए तो इसको बेवकूफाना यास्मीन फारूकी कहें तो इसको बेवकूफाना शब्द कहना या अभद्रता के अतिरिक्त क्या है? तो वह अभद्रता कर सकती है, एक राजनीतिक संसदीय संवैधानिक प्रक्रिया को बेवकूफाना कहना ये यास्मीन फारूकी की बौद्धिकता हो सकती है। बातें करते हो लीजिए, मैं कौन सी हवा में बात कर रहा हूं अदिति जी, आपको मेरी कौन सी बात हवाई लग रही है? मैम जवाब ले लीजिए, उनका जवाब ले लीजिए, आपने अपना व्यू पॉइंट रखा उनका जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी बात पूरी कर लीजिए सर। अब दूसरी बात जो रस्म रिवाजों की बात आप सुझाव और जो कह रहे हैं कि सारी जैसा अजय उपाध्याय जी ने कहा, प्लीज मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी। नहीं मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी, मुद्दे पर बात कीजिए वरना चुप हो जाइए प्लीज। जी अदिति जी, प्रेम शुक्ला जी, जैसा आदरणीय अजय उपाध्याय जी ने कहा कि आम सहमति बननी चाहिए। देखिए अगर इस पर कोई राष्ट्रीय विमर्श हो तो किसको इससे इंकार है, हम तो राष्ट्रीय विमर्श के लिए तैयार हैं। संसद एक विमर्श का ही मंच है, अगर प्राइवेट बिल आता है ये उस पर हम खूब जो है विशेष विमर्श कर लें, उस पर कौन मना कर रहा है उसे। विधानसभाओं में ये बिल आएगा तो विमर्श का अवसर निश्चित तौर पर होगा। और जहां तक आम सहमति की बात है, जब भाई आप जानते हैं हिंदू कोड बिल पर 50 के दशक में कांग्रेस में भी आम सहमति नहीं थी, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सब जो है हिंदू कोड बिल के विरुद्ध थे, लेकिन बहुमत जो है वो हिंदू कोड बिल के साथ था, तो इसलिए हिंदू कोड बिल जो है पारित किया गया। तो अगर बहुमत साथ में है तो सर्वमत की बात तो संसदीय लोकतंत्र में अपेक्षित ही नहीं है, बहुमत की बात अपेक्षित है। हाँ उसमें विमर्श की पूरी गुंजाइश है, किसी के किसी प्रकार की आपत्ति है तो उन आपत्तियों को उसने निश्चित तौर पर उठाना चाहिए और उन आपत्तियों का उत्तर भी दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें किसी के मन में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस पर विमर्श ही नहीं। जैसे दूसरा आप लॉ कमीशन को आपने जिक्र किया, तो भाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस जो है जस्टिस खरे, इनके ऑर्डर्स भी है, विविध हाईकोर्टों के ऑर्डर्स भी है, तो उसके आलोक में भी इस विषय को समझे जाने की आवश्यकता है, ठीक है। सैयद असीम वकार हमारे साथ हैं। सैयद असीम वकार ये कह रहे हैं कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आइए और चर्चा कीजिए, इसे एक धर्म विशेष के विरोध में मत बताइए। नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो चर्चा और बातचीत वहां की जाती है जहां स्टेटस में दिमाग में बराबर के लोग हों, लेकिन जहां के ऊपर आदमी जहनी तौर पर बहुत नीचे हो, वो एक कोई खास मकसद के साथ बैठा हो, वहां चर्चा हो नहीं सकती। चर्चा वहां होती है जहां सामने वाला ये कहे कि अगर गलत होंगे तो मान लेंगे, सही होंगे तो आप मान लीजिएगा, लेकिन यहां चर्चा का सवाल नहीं उठता है। यहां ये कहा जा रहा है कि हम गलत भी होंगे तो भी आपको मानना पड़ेगा। मैं इतनी देर से आप लोग की बात सुन रहा था,
भाई जितनी भी दुनिया में मुल्क हैं, मैं हर मुल्क की बात कर रहा हूं, नॉट ओनली भारतवर्ष, हर मुल्क में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, हर मुल्क में एक सिस्टम होता है कि उनका जो धार्मिक कानून होता है धर्मों का, वो उनको आजादी होती है मानने की, यानी सिविल कोड उनका अलग होता है, लेकिन सीआरपीसी जो क्रिमिनल पेनल कोड है वो एक होता है। अगर मर्डर करेंगे तो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सबको एक जैसी सजा मिलेगी। चोरी करेंगे एक जैसी सजा मिलेगी, लेकिन अगर वो खाना खाने जाएंगे तो अपने धर्म के अनुसार खाएंगे। वहां ये नहीं है कि कोड़ा लेकर होटल में बैठा हुआ आदमी कि नहीं साहब हम ये खाते हैं आप भी यही खाइए। पूरी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं उनमें जो बहुसंख्यक है वो कभी ये नहीं कहता है कि साहब हम निर्मा साबुन से कपड़े धोते हैं तो आप भी धोइए, या हम पियर्स साबुन से लक्स से नहाते तो आप भी नहाइए। नहीं, हर आदमी का जो सिविल कोड है वो अलग होता है, धर्म के अनुसार होता है, सीआरपीसी अलग होता है, इस बात को समझिए। प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, हमारे भाई हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन एक चीज पर जो जरूरी है हिंदुस्तान में आज, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, देखिए पूरे भारतवर्ष में जितने हिंदू हैं हमारे भाई, वो ये कहते हैं कि गाय माँ है, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी माँ है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग गोवा में कहते हैं कि नहीं हम इंपोर्ट करेंगे अगर बीफ कम पड़ जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं मैं खाता हूं बीफ। नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम में बीजेपी के नेता कहेंगे नहीं हम खाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहले यूसीसी से पहले एक कानून बनाइए, गाय को आप राष्ट्रीय पशु बनाइए, गोवा में प्रतिबंधित कीजिए। अब मुद्दे पर आ जाइए सर, जो आपका नॉर्थ ईस्ट है इसमें प्रतिबंधित कीजिए। नहीं नहीं वो छोड़िए, वो तो जो आपको इनके साथ राजनीति करनी है करिए, ले जाना पालना सर, सब मुद्दे पर बात कीजिए। आप ये बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड, राजनीति कर रहा हूँ। नहीं नहीं सुनिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं तो आपकी माता जी पे बात कर रहा हूँ, आप नाराज हुए जा रही हैं। अरे सुनिए, नाराजगी का तो इस देश में सिर्फ एक ही के पास हक है। आपकी माता जी की हिमालय की बात ना कर रहा हूं। मुस्लिमों को लेकर झंडा बुलंद करने का तो इस देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति का हक है। हम जैसे छोटे लोग कहाँ नाराज हो सकते हैं, नाराजगी की जरूरत नहीं है। अभी आप ये कह रहे थे कि गाय हमारी भी माता है, अभी आप कहने लगे आपकी माता है। पहले तो आप इतना कंफ्यूजन की स्थिति में हैं, और दूसरा जरा सा मुझे ये बता दें, अभी आप बड़ा समझा रहे थे सीआरपीसी, हम आपका सम्मान करते हैं। अरे सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरे, आप सम्मान करें ना करें सुनिए ध्यान से, मैंने आपको कई बार समझाया है, आज मैं आप फिर से आपको समझाना पड़ रहा है। क्या गोवा में, सैयद असीम वकार सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए ध्यान से। मैं क्यों सुनूं, ठीक है मैं आपसे नहीं सुनेंगे ना, सवाल नहीं सुनेंगे आप नहीं सुनेंगे सवाल, क्यों सुनूं, वाद विवाद करने नहीं आए आप, क्यों आप क्यों सुनेंगे सवाल, क्योंकि अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि पाकिस्तान में यूसीसी का क्या काम है, फिर मैं पूछूंगी दुनिया के दूसरे देशों में यूसीसी का क्या काम है जिसमें से कई मुस्लिम देश हैं, और आप अभी गिनवा रहे थे कि मैं कैसे ये खाना खाऊंगा, मैं वो खाना खाऊंगा। यूसीसी का मतलब खाना है कि जो आदित्य त्यागी खाएगी वही खाएंगे सैयद असीम वकार। आप लोगों ने कितना ट्रिवियलाइज कर दिया है यूसीसी को, किस लेवल पर ले जाते हैं आप। क्या देश में यूनिफॉर्म आ जाएगी क्या कि एक यूनिफॉर्म पहन के हर भारतीय घूमेगा, 1.4 बिलियन लोग एक ही जैसा कपड़ा पहन के घूमेंगे। तो गाय आप देख लीजिए, पहले कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर डाली है सर, थोड़ी सी स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, थोड़ा सा इस दुनिया को देख लीजिए और समझिए, तब इस मुद्दे पर बहस कीजिए मुझसे, थोड़ा सा तब इस मुद्दे पर बहस कीजिएगा। लेकिन प्रेम शुक्ला, ये जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं सर, ये जो इनका दावा है, ये ऐसा कर पाते हैं क्योंकि ये आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आप इस देश में एक जैसा खाना, एक जैसा रहन सहन, एक जैसी धार्मिक प्रथाएं, एक जैसी सोच चाहते हैं आप सब कुछ रेगुलेट कर लेना चाहते हैं। ये कहां से इनके मन में बात आती है समझ के बारे, दुष्प्रचार के अतिरिक्त क्या है। यूसीसी में सब एक प्रकार का खाना खाएंगे, सब एक प्रकार का वस्त्र पहनेंगे, सब एक प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेंगे, सब एक प्रकार के मकानों में रहेंगे, ऐसा किसने कहा। हाँ, सिविल राइट सबके समान होंगे, नागरिक अधिकार सबके समान होंगे, उसे महिलाओं के नागरिक अधिकार, पुरुषों के नागरिक अधिकार एक जैसे होंगे, ये बात करने में क्या गलत है। और आप अभी स्वयं बता रहे कि बांग्लादेश में यूसीसी है, पाकिस्तान में यूसीसी है, आयरलैंड में यूसीसी है, अमेरिका में यूसीसी है, ग्रेट ब्रिटेन में यूसीसी है, बहुत सारे देशों में यूसीसी है, तो वहां पर आप कृपा करके मुझे बताइए कि सब एक ही तरह का भोजन कर रहे हैं।
सब एक ही तरह के घर में रह रहे हैं, सब एक ही तरह के वस्त्र पहन रहे हैं, सब एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं, नहीं ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार का दुष्प्रचार करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। यूसीसी पर एक स्वस्थ बहस की आवश्यकता है, और कोई स्वस्थ बहस करना चाहता है तो वो स्वागत है उसका स्वस्थ बहस का, लेकिन स्वस्थ बहस करने के नाम पर अभी सैयद वसीम का असीम वकार ने कहा कि जितने पैनलिस्ट हैं सबकी बौद्धिकता समान होनी चाहिए। अब बौद्धिकता नापने का पता नहीं इनके पास में कौन सा यंत्र है जिससे सिद्ध हो जाएगा कि किसकी बौद्धिकता कितनी है, किसका मस्तिष्क कितना सक्रिय है और कितना निष्क्रिय है, इस बारे में इनके पास कौन सा यंत्र है, और उस यंत्र को लाकर ही जो है इस पर बहस करेंगे। तो इसका कोई तो औचित्य ही नहीं है अदिति, जिसके क्या जवाब दिए जा सकते हैं। ठीक है सैयद असीम वकार, दुष्प्रचार करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप? नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो खाली ये कह रहे हैं कि क्या गाय के ऊपर आपको गाय की सुरक्षा नहीं करना चाहिए। गोवा में आप उसको खिलवाएंगे, खाना है वो, नॉर्थ ईस्ट में बकायदा अलग ऐलान खाया जाएगा। नहीं, आपकी लड़ाई गाय के लिए है, आपकी लड़ाई यूसीसी के खिलाफ है। एक सेकंड, से पहले एक सेकंड मैं कह रहा हूँ यूसीसी से पहले। आप थोड़ी ना कंडीशंस ड्रॉ करेंगे कि इससे पहले कौन क्या करेगा सर, आप कंडीशंस थोड़ी ना ड्रॉ करेंगे यहाँ। नहीं, काउ सेफ्टी बिल लेके आई, मैं आपसे जो कह रही हूँ यूसीसी पर बात कीजिए आप मुझसे। सुनिए सैयद असीम वकार, यूसीसी पर बात कीजिए आप मुझसे, यूसीसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, मैं आपसे ये पूछूं। मैडम, गाय से नफरत हो गई आपको? आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। गाय से नफरत हो गई आपको? आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं आपको पहले भी कई डिबेट्स में समझा चुकी हूँ। पूछ रहा हूँ आपसे, आपकी कोर्ट में पेशी नहीं है अदिति त्यागी की? जब आप कोर्ट चलाएं, सुनिए, जब आप कोर्ट चलाएं, जब आप अभी बौद्धिक स्तर की बात कर रहे थे, जब आप वो जज के लेवल पर जाएं, जब आप किसी जुडिशियरी में बैठे हों और अदिति त्यागी के खिलाफ कोई मामला हो, तब अदिति त्यागी अपनी पेशी देगी। अदिति त्यागी पैनलिस्ट की अदालत में पेशी नहीं देती है। और आप मुद्दे पर बोलिए वरना चुप रहिए सर, ऐसी कोई जबरदस्ती बोलने की नहीं है। बोल तो रहा हूं मुद्दे पर, मैं मुद्दे पर बोल तो रहा हूं। हाँ, तो अब जवाब दीजिए मुझे कि आपको यूसीसी पर आप आना चाहिए, आपका क्या स्टैंड है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बस मैं इतना सवाल सर आपसे पूछ रही हूं। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले यूसीसी से पहले जो जरूरी है वो है काउ सेफ्टी बिल, गाय सुरक्षा कानून आप बनाइए, और गाय जो नॉर्थ ईस्ट में और आपके जो राज्य हैं उनमें खाई जा रही है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। एक बिल लाइए, गोवा में बंद करिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, और यूसीसी पर ले आए उसके बाद बिल आपके हिसाब से, उसके बाद यूसीसी पर बिल ले आए कि ना ले आए? गाय की सुरक्षा का एक कानून लेकर आइए। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, ला सकते हो तो यहाँ बता। राजनीति भी क्या कमाल की चीज है, कमाल की आर्ट है, किससे क्या नहीं कहलवा देती है। तो अब आप ये बता दीजिए यूसीसी पर बिल ले आए ये कि ना ले आए उसके बाद? अरे मैं कह तो रहा हूँ पहले कानून तो बनाइए गाय पर, आप तो गाय का नाम तक नहीं ले रही हमारे डर के मुंह से। सुनिए, ये डर, ये खौफ, खतरे में, ये सब आपके शब्द हैं। अदिति त्यागी को डर नहीं लगता, ना पहले लगा ना अब लगता। अच्छा बताइए गाय पे कानून नहीं, बनना चाहिए, नहीं बनना? आप सुनिए, मैं पूछ रहा हूं, डरे हुए, सहमे हुए, नाना विक्टिम, पीड़ित, ये अदिति त्यागी नहीं है। अदिति त्यागी विक्टिम मूड में हीरोइज्म नहीं ढूंढती। नहीं, मैं ना मैं आपको बता रही हूँ, अभी डरा हुआ कह रहे थे ना आप मुझे, मैं जवाब दे रही हूँ आपको, निजी हमलों का जवाब मिलेगा आपको, और मेरे साथ मुद्दों पर रहिएगा वरना चुप रहिए, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, बार बार कह रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, ये वो सवाल नहीं उठाएंगे जो इस बहस से जुड़े हुए हैं, मैं अब वो सवाल उठाऊंगी। ठीक है सर, आप बैठिए, डर किसको लग रहा है सबको पता चल रहा है, इस डिबेट में किसे डर लग रहा है सबको पता चल रहा है। थोड़ी देर पहले यास्मीन फारूकी ने सवाल आपसे पूछा था, उन्होंने ये कहा था प्रेम शुक्ला जी, जब चुनाव आता है तब आप यूसीसी की बात करने लगते हैं, आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रेम शुक्ला जी यूसीसी की बात करते हैं, ये बात उन्होंने कही थी। और एक और सवाल जो कई बार इस तरह के डिस्कशंस में उठा है, ये कि आप उसे सेंटर के लेवल पर ले आइए, ये किश्तों में आप राज्यों में क्यों लेकर आ रहे हैं? देखिए, दोनों प्रश्नों में तो पहले मैंने यास्मीन जी का उत्तर दिया, लेकिन फिर से एक बार आपको देता हूं। देखिए, भारत में संवैधानिक लोकतंत्र है और संसद चुनी जाती है, और जब चुनाव होता है हमारे, और यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में, संविधान के राज्य भी इस पर कानून बना सकते हैं, केंद्र भी इस पर कानून बना सकता है, ये संविधान निर्माताओं ने अधिकार दिया हुआ है। ऐसे में जब चुनाव के समय हम जनादेश प्राप्त करते हैं, जनता के समक्ष अपने मुद्दे लेकर जाते हैं,
तो हम जनता के समक्ष अपने मुद्दे जब हमेशा संकल्प पत्र लेकर जाते थे तो अनुच्छेद 370 हम 1951 से लेकर जाते थे, हम जो है राम मंदिर के भव्य निर्माण संवैधानिक ढंग से हो ये मुद्दा हम लेकर जाते थे, उसी तरह से हम यूसीसी लेकर जाते हैं जनता के सामने और जनता का जनादेश प्राप्त करते हैं। तो जनता का जनादेश प्राप्त करना ये लोकतंत्र में संविधान सम्मत हमारा अधिकार है, इसलिए हम ले जाएंगे। अब इसको बेवकूफा ना कहना, जो भारत के जनतंत्र को ना जानता हो, जो संवैधानिक लोकतंत्र में विश्वास ना रखता हो, जो संसदीय परंपरा में विश्वास ना रखता हो, उसको ये बेवकूफाना लग सकता है, उसको ये बेवकूफाना कहने का अधिकार है। जवाब लीजिए, खड़े होकर ठीक मैं जवाब लेती हूँ उस पर। यास्मीन फारूकी या प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं हमारा कोर एजेंडा है, ये हमारे जो मुद्दे हैं उनमें से एक अहम मुद्दा है, हम जनता के बीच से लेकर जाते हैं और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो हमने क्रिएट किया है, ये कह रहा है कि संविधान में इसका जिक्र है, संविधान में जिक्र है तो हमारे ये मुद्दा है तो हम लेकर जाते हैं जनता के बीच, इसमें राजनीति क्या है? प्रेम शुक्ला जी सच में आप ईमानदारी से अगर मुद्दों को उठाएं तो हम तो बहुत खुश होंगे, हम आपके साथ चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुश्किल यह है मैं कोई मुस्लिम होने के नाते ये बात नहीं कहती प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि हमारे पे एक ये लगा दिया गया है कि साहब मुसलमानों को ही प्रॉब्लम है इन चीज, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जब हम गंदगी ठीक करने पे आते हैं ना, जब हम चीज़ों को ठीक करने पे आते हैं तो हिंदुस्तान एक है, हम उन सारी चीज़ों पे से ठीक सफाई करेंगे जहाँ जगह, हाँ पहले जो गड़बड़ चल रही है आप कॉमन सिविल कोर्ट लाएंगे, लाइए कोई एतराज नहीं है, पर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं कि ये परेशानियों का बाइस बनेंगी, आपको मालूम है कि ट्राइबल एरिया के रीति रिवाज दूसरे हैं, वो लोग अलग तरीके से अपने भोलेपन में अपने तरीक़ों से जीते हैं, आपको मैंने अभी कुछ खामियां बताई खाप वाली जैसे है या झगड़े वाला, मैं आपको ईमानदारी की तौर पे ये बात कह रही हूँ, अगर हकीकत दिल से आप एक अच्छा काम करना चाहते हैं तो इससे पहले वो काम शुरू करिए ना जो हो रहा है कि अपने पंचायतें आज भी अपने कानून बैठ के बैठती हैं और ऐलान करती हैं और फैसले सुनाती हैं और कोई कुछ नहीं बोल सकता, उसके अंदर सजाएं दे देते हैं गांव से, अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में सजा हुई गांव से निकाल दो, आप मुझे ये चीजें बता, मैं सिर्फ इस बात पे एतराज, मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर कोई ये कहता है, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी, मुसलमानों को इसलिए एतराज है वो चार शादियां करते हैं, पूरी बात होने दीजिए अदिति, मैं बहुत आप मना करते हो मैं चुप हो जाती हूँ, पर मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, आपको ये मुझे आप ये लोग थोड़ा सा एक होमवर्क करके ही तो एग्जाम देता है ना आदमी, या एग्जाम देने के लिए बिना आप पढ़े लिखे होमवर्क किए हुए अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं जरूर दीजिए, वेल एंड गुड, मैं तैयार हूं, मैं बिल्कुल आप लाइए, मैं आपका खैर मकदम करती हूं और बहुत स्वागत करती हूं। नहीं मैम, लेकिन उसमें फिर दो सवाल है मेरे, एक सवाल तो जो अभी आपने उठाया जिन पंचायतों से आपको एतराज है जो आपके हिसाब से एक तरफा फैसले लेती है, यूसीसी आएगा उन पर भी लागू होगा, कोई नहीं बचा सकता, और दूसरी बात अगर मदरसे पर एक सेकंड मैम, आप बोल रहे कि मैंने आपको नहीं बीच में रोका, अभी नहीं मान रहे वो इन लोगों की, एक सेकंड मैम ठीक है उस पे जवाब ले लीजिएगा ना आप, लेकिन यूसीसी आएगा तो किसी को डिस्काउंट नहीं मिलने जा रहा वहां पर, जिन पंचायतों का आप जिक्र कर रही हैं यूसीसी आएगा तो वहां डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यूसीसी का मतलब ही है कि कोई डिस्काउंट नहीं है उसमें, तो मैम एक तो ये बात, और दूसरा जो मेरा आपसे सवाल है, जब मदरसों का सर्वे होता है, मैम सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए मेरा सवाल, क्योंकि मैं बहुत डिस्कशंस करती हूं और मैं चाहती हूं इस पे ईमानदारी से बात हो, बहुत ईमानदारी से बात हो और बहुत मीनिंगफुल डिस्कशन हो, सिर्फ ऐसे बातें ना हो कि ये बिल क्यों नहीं ले आए पहले, ये बिल क्यों नहीं ले आए, ये काम आप ठीक से नहीं कर रहे तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं मैं आपसे ये कह रही हूं और ये जानना और समझना चाह रही हूं कि जब मदरसों का सर्वे होता है या फिर वक्फ पर वक्फ एक्ट की बात की जाती है, हर कोई इसमें ये क्यों ढूंढने लगता है कि कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, बोलूं आती थी? जी जी आप ही से सवाल है मैम, आवाज नहीं आ रही मुझे, आप सुन पा रही है मुझे? हाँ अदिति देखिए मेरे पास सामने 10 बार मदरसों पे भी बात हुई है और मैंने बार बार ये कहा है कि मदरसों के सर्वे पे किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप टारगेट मैंने अदिति अब मेरी पूरी बात सुन लेना, प्राइवेट स्कूल्स गली गली में चल रहे हैं,
और उन वो नॉर्म्स पे पूरे नहीं उतरते हैं ना, इतनी ऊंची बिल्डिंग है, बच्चे सीढ़ियों से गिरे हैं, चाहे कुछ भी हो, जब नॉर्म्स की बात आती है, जब सर्वे की बात आती है, आप सबका सर्वे करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप टारगेट करके मदरसों का सर्वे करते हो तो ऐतराज होता है। ठीक है, जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला जी, करके चीजों ठीक है, जवाब ले लीजिए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद अजय उपाध्याय, जल्दी जल्दी प्लीज, जल्दी जल्दी एक जवाब दीजिएगा सर, जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले कल जब राज्यसभा में निजी बिल लाया गया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई दल रहे जिन्होंने इसका विरोध किया, हालांकि विरोध में 23 वोट पड़े, पक्ष में 63। विपक्ष का कहना है यूसीसी से देश की संस्कृति बर्बाद हो जाएगी, ये सिर्फ मुख्य मुद्दों से भटकाने की साजिश है। इसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था और सारे विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध किया और कई कारण और वैधानिक, मैंने कहा, मैंने संविधान को कोट किया, ये विधेयक जो इंट्रोड्यूस किया रहा है ये अपने आप संविधान के खिलाफ है। हमारी संस्कृति, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सबको बर्बाद करने के लिए सब लिए आया जा रहा, देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। नॉन इश्यू को इश्यू करना बीजेपी का काम है, हर चीज में कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे सोएगा, ये सारा चीज लेके बीजेपी बात करता है। डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात कीजिए, हमेशा हमेशा ये सब जो नॉन इश्यू है वही लेके बात करता है, ये सही नहीं है। और आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और हेमंत बिस्व शर्मा ने यूसीसी को लेकर क्या कहा। यूसीसी हो जाने से तमाम मुसलमान महिलाओं को हुआ अंडर एक प्रकार में बहुत बहुत दुखजनक हालत में है, उनसे मुक्ति हो जाएगा। और एट द सेम टाइम मैं यही भी बोलता हूं कि हिंदू समाज में भी जो परंपरा है थ्रो हुइट्स वोमेन आर सीन एज ए नॉट एज पावरफुल एज मैन, वो भी खत्म होना चाहिए। हमें कोई यूसीसी का बात बोलने का मतलब, वी आर नॉट एंटी मुस्लिम, वी आर जस्ट प्रो वोमेन। अगर आप कहते हैं कि एक धर्म की लड़की को 18 साल के बाद शादी करनी है, लेकिन दूसरे धर्म में आप 15 साल की उम्र में एक बच्ची की शादी करा दोगे, तो देर इज अ प्रॉब्लम। और अगर आप मात्र महिला की बात ना करें, संविधान की बात करें, तो क्या हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोगों को एक समान कानून के सामने प्रस्तुत नहीं होना चाहिए? क्या अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून होना चाहिए? तो यूसीसी की जब आप बात करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि यही है कि अगर हम कहते हैं जस्टिस फॉर ऑल, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट जस्टिस? 15 साल की नाबालिग बच्ची का क्या जबरन ब्याह कराना चाहिए? लेकिन अगर उनकी कानून में ये मर्यादा है, तो कई ऐसे कोर्ट के दस्तावेज आए जिसमें कोर्ट ने कहा भी कानून में लिखा है, करा दो 15 साल में। और उसका परिणाम क्या होता है? बच्ची 16 साल की उम्र में इम्प्रेग्नेट हो जाती है, बच्चा पैदा करती है, तो खुद मर जाती है या बच्चा मर जाता है। क्या हम चाहते हैं 16-15 साल की बच्चियों के साथ ये हो? तो मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ। यास्मीन फारूकी जी, पहले इस पर मैं आपका जवाब चाहती हूं, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी को फ्लो दूंगी। मुझे सवाल बताइए। और वो पूछ रही थी कि आप चाहती हैं 15 साल की बच्चे की शादी हो? कौन कर रहा है अदिति? देखिए, वो तो जाहिल लोगों की अगर बात करो तो आप उनकी बात करना ही बेकार है, पर इस जमाने में अगर आप ये बात कह रहे हो कि मुसलमान पढ़े लिखे लोग 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी, मेरी शादी 1974 में हुई थी और मैं 20 साल की थी, तो उस वक्त उस जमाने में भी मैं ऐसा कौन सा, जब मैं आपको 64 की बात कर रही हूँ तब भी बच्चियों को पढ़ाया जा रहा था। और अब अगर कोई ये बात कह रहा है तो गुमराही वाली बात है, कोई भी बाशऊर आदमी अपनी बच्ची की शादी ग्रेजुएशन से पहले नहीं करता। ठीक है, जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बरगलाने वाली बातें हैं, अब कहना गुमराह करने वाली बातें हैं जी, ये सब दलीलें जो हैं गुमराह करने वाली हैं। डिफरेंट हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं जी, अदिति जी, डिफरेंट हाई कोर्ट्स के ऑर्डर हैं जिसमें मुस्लिम कानून के आधार पर, मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर वहां लड़कियों के विवाह की उम्र 15 साल कही गई है। ये कोई कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, बल्कि ये विविध हाई कोर्टों के ऑर्डर्स हैं।
आप चाहें तो उन ऑर्डर्स को मैं भेज सकता हूं जी न्यूज़ को, और यास्मीन जी भी कृपा करके उस पर गौर फरमा लें। तो ये चीजें हैं, अब उसमें कौन शऊर वाला है कौन बेशऊर है, इसको कैसे आप जो है जब तक कानून नहीं बनाएंगे तो बेशऊर लोगों के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे? मान लिया कि आप बाशऊर हैं और बहुत सारा बड़ा वर्ग बाशऊर है, लेकिन जो बेशऊर है जो 15 साल की उम्र में विवाह कर ले रहे हैं लड़कियों का और उसको जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रोटेक्शन प्राप्त कर रहे हैं और हाईकोर्ट तक उनके फेवर में ऑर्डर्स कर रहा है, उसमें जो है यूसीसी उसके लिए एक बड़ा इलाज होगा। ठीक है, इस पे किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि हम विमर्श करने के लिए तैयार है, आइए। ठीक है, सैयद असीम अकार आपको जवाब देना चाह रहे हैं सर। ना ना देखिए, स्मृति ईरानी जी का आपने इंटरव्यू चलाया, केंद्रीय मंत्री हैं। मसला ये है कि अगर मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से शादी करे तो वो लव जिहाद, लेकिन अगर मुसलमान लड़की किसी हिंदू से शादी करे तो घर वापसी। मतलब डिफरेंस देखिए आप, अगर मुसलमान शादीशुदा आदमी किसी दूसरी लड़की के साथ अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी के साथ शादी कर ले तो वो आवारा, लेकिन वो चीज पारसी में लागू नहीं होती है। अगर पारसी आदमी अपनी पहली पत्नी को छोड़ के उसकी सहेली के साथ शादी कर ले तो वो ये जो आप निजी टीका टिप्पणी कर रहे हैं ना यहाँ पे सैयद असीम अकार, अलग नहीं नहीं आप ये जो निजी टीका टिप्पणी कर रहे हैं ना ये छोड़ दीजिए ये तरीका। मैंने आपसे पहले भी कहा था निजी हमले मत किया कीजिए, एक तर्क पर बात हो रही है, आप किसी पर निजी हमले कर रहे हैं। नहीं नहीं आप एक महिला पर निजी हमले कर रहे हैं इस डिबेट में। मुझे बोलने ही नहीं दे रही हैं। नहीं नहीं आपको बोलने के किसी पर क्या आप क्या कीचड़ उछालने के लिए आए क्या? बोलने दीजिए। अरे सुनिए, बोलने का मतलब ये नहीं होता आप कुछ भी बोलेंगे। मुझे पूरा तो बोलने दीजिए। अरे आपके बोलने का मतलब ये नहीं है, बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट है वो आजादी। तभी तक है वो आजादी जब तक दूसरे की आजादी में खलेल नहीं पड़ता उससे। 15 साल की बच्ची की शादी सही है? पहले ये तैयार रहिए। नहीं, कहीं नहीं होती है मैडम। और अगर आप ऐसे सर्वे करने पे आइएगा तो बहुत से गैर मुसलमान भी ऐसे हैं जो शादी कर देते हैं। तो वहां पे कौन रोक, वहां पर कौन कह रहा है कि नहीं रोका जाना चाहिए? आपसे किसने कहा वहां की नहीं रोका जाना चाहिए उन्हें? गैर मुसलमानों को नहीं रोका जाना चाहिए? मैंने कहीं सुना आपने? मैडम मैंने आप नहीं नहीं मैंने आप मैंने आपको मैंने आपको एक व्हाट्सएप पर एक वो भेजा था एक मैसेज, वो पॉली एंड्री और पॉलीगैमी पर था, उसको आपने पढ़ा नहीं है? नहीं नहीं सर, मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं पढ़ती हूँ इसी भारत में। नहीं नहीं मैं पॉलिटिकल कहाँ पॉली एंट्री है कहाँ पॉलीगैमी है ये आपको मैसेज भेजा था? नहीं नहीं सुन लीजिए आप मेरी बात, ध्यान से सुन लीजिए, जवाब दे रही हूँ मैं आपको। तो आप टिप्पणी क्यों कर रही हैं दूसरे को? नहीं नहीं तो टिप्पणी क्यों नहीं करूंगी मैं, आप किसी का निजी हमले कर रहे हैं किसी का, बार किसी का चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं टीवी पर बैठकर, मैं आपको रोकूंगी नहीं। नहीं मैं आपको रोकूंगी नहीं, नहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ, रोकूंगी आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कह रहा हूँ। नहीं आप कैसे किस तरह की बातें कर रहे हैं सर? अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे, अभी तो बौद्धिक स्तर का ज्ञान दे रहे थे आप दूसरों को कि बौद्धिक स्तर का पैमाना होना चाहिए उस व्यक्ति से मैं बात कर सकता हूँ जिसका बौद्धिक स्तर मेरे जितना हो। बहुत आप ज्ञान दे रहे थे अभी। तेवर बढ़िया रखिएगा, बातचीत का ढंग अच्छा रखिएगा, मैं आईना हूँ, जैसा चेहरा दिखाइएगा वैसे ही दिखेगा। नहीं नहीं सुनिए ध्यान से, मेरा चेहरा इतना खराब नहीं है सर, ठीक है? मैं जनता के लिए डिबेट करती हूँ, अपना आईना संभाल कर रखिए और अपने लोगों को दिखाइए। कंट्रोल रखिए आप। नहीं नहीं आप रखिए कंट्रोल, आप एक केंद्रीय मंत्री का चरित्र हनन कर रहे थे अभी बैठकर। आपको जवाब मिलेगा, नहीं नहीं जवाब मिलेगा आपको। आप एक महिला का अगर चरित्र हनन करेंगे उस पर उसके चरित्र कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे तो जवाब मैं दूंगी। मैंने नाम ही नहीं लिया, बिल्कुल दूंगी आपको जवाब। आपकी निजी टिकट टिप्पणी के लिए यहाँ पर मंच नहीं है, आपको जवाब देना। आपकी निजी टिकट टिप्पणी के लिए मंच नहीं है, जाइए अपने सोशल मीडिया पर कीजिए ये सब। मैडम आप ये जाकर सोशल मीडिया पर कीजिए, अगर आपको तार्किक तौर पर यूसीसी पर बात करनी है बात कीजिए। जो करना हो करिए, जो कहना हो कहिए, जो समझना हो समझिए, जो सुनना हो सुनिए, लेकिन अगर मुसलमान लड़का किसी से शादी कर ले गैर मुस्लिम से तो वो लव जिहाद, और जब लड़की किसी गैर मुसलमान के साथ शादी कर ले तो वो घर वापसी। तो इस पे जवाब ले लीजिए, यूसीसी की बात करेंगे, जवाब ले लीजिए। गाय पे बोलते हुए आप डर रहे हैं? नहीं नहीं आप आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए बहादुरी का, मुझे आपकी बहादुरी मैंने देख ली, कितनी बहादुरी है आप में। आप सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं और आपको लगता है इसी में बहादुरी है। सुनिए वो मेरा स्तर नहीं है, आपकी आवाज मेरा स्तर नहीं है, वो मेरा स्तर नहीं है, किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा स्तर नहीं है और ना ही मैं शो में अलाउ करूंगी। कान खोल के सुन लीजिए, खोल के सुन लीजिए और अपने डर को, आप डरे हुए व्यक्ति को कोई डरा हुआ लगता है? आपका डर मैं समझ सकती हूँ, संभाल के रखिए अपना डर, संभाल कर रखिए। अभी आईना बता रहे थे ना, आपका आईना मैं हूँ,
डर को संभाल के रखिए प्रेम शुक्ला जी, इन्होंने बाकी तो बातें इनका बौद्धिक स्तर पर जो ज्ञान था उसी में खुद ही एक्सपोज हो गए ये, लेकिन एक बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो लव जिहाद, और मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करती तो घर वापसी। देखिए, अगर लव जिहाद किसी मुस्लिम लड़के ने, उसका नाम अशफाक हो और अपना आइडेंटिटी छुपा के अजय बनकर अगर विवाह कर ले तो ये लव जिहाद है। अगर किसी अशफाक से किसी मीना को प्यार हो जाए और वो उसको अशफाक जानता हुआ, भली भांत जानती हो कि अशफाक ही है, और विवाह कर, किसी ने शाहरुख खान ने लव जिहाद किया आज तक कहा क्या? क्योंकि गौरी को पता था कि शाहरुख है, तो किसी ने नहीं कहा। अभी अबू हाशिम आजमी के बेटे ने आयशा टाकिया से विवाह किया, आयशा को पता था कि ये जो है मुसलमान है, किसी ने नहीं कहा लव जिहाद है। तो लव जिहाद वो है जब किसी की अपनी आइडेंटिटी छिपाकर कोई मुसलमान लड़का हिंदू बनकर किसी हिंदू युवती को फंसा कर अगर विवाह करता है, तो ये केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि ये लव जिहाद है। सीपीएम के मुख्यमंत्री थे अच्युतानंदन, उन्होंने कहा लव जिहाद केरला में है, तो ये लव जिहाद है। अगर कोई मुस्लिम लड़की ये जानती है कि मेरा प्रेमी हिंदू है, राज बब्बर और नादिरा बब्बर ने विवाह किया था और वो विवाह अच्छे से चला, तो वो अगर किसको कोई विवाह कहना चाहे विवाह कह ले, किसी को असीम वकार की तरह घर वापसी कहना हो घर वापसी कह ले, ये उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है। अब देखिए, इस जो यूसीसी पर बहस है, इस यूसीसी पर बहस पर यास्मीन और असीम वकार ये दोनों ये बात कॉमन करें, किसी मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं है, बात खत्म हो गई कि मुस्लिम विरोधी नहीं होगा यूसीसी, ये तो ये दोनों मान रहे हैं ना। अब इनका इतना ही कहना कि ट्राइबल्स में कुछ कानून है, रीति रिवाज है, तो वो ट्राइबल्स की रीति रिवाज ट्राइबल से चर्चा कर ली जाएगी। इतना तो निश्चित हो गया ना आपके पैनल में कि अगर यूसीसी आता है तो इससे मुसलमानों की परंपराओं पर, धार्मिकता पर, रिवाजों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों इस पर कोई तर्क नहीं दे रहे हैं, दोनों स्वीकार रहे हैं। यास्मीन फारूकी से जवाब दीजिए, लीजिए यहां पर। मेरे भाई, एक तो आप ये सोचना बंद कर दो कि अगर हम लोग बोलेंगे तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलेंगे। मैं अब फिर यहां से कह रही हूं आपको इस चैनल से कि बात सिर्फ मुसलमानों की यहां नहीं है, यहां है भारतीयों की, यहां बात है ट्राइबल वालों की, यहां बात है इस खुशरंग और इतनी प्यारी रीति रिवाजों की जो एक गुलदस्ते की तरह खुशनुमा फूलों की तरह खुशबू दे रही हैं, खेल रही हैं। आप लोग एक हिंदू मुस्लिम से ऊपर नहीं निकल पाओगे क्या? मैं यकीनन ये बात आपसे कह रही हूँ कि मैं बीइंग अ मुस्लिम ये एहतजाज नहीं कर रही, मैं बीइंग अ मुस्लिम मुझे एतराज नहीं है, मुझे एक भारतीय होने पर एतराज है कि मैं चाहती हूँ कि जो एक रंगारंग हमारी तहजीब है, हमारा रीति रिवाज है, तो मैं वो ऐसा का ऐसा खूबसूरत, उन्होंने यही तो कहा कि आपको एक बात तो यहाँ पर सहमति है कि मुस्लिमों के लिए इससे कोई बाधा है या उन पर ये अटैक है, आप ये नहीं कह रही। एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा था, एग्जैक्टली प्रेम शुक्ला का पॉइंट यही था। आपने जो बात कही अभी कि आपकी जो आपत्ति है वो मुस्लिम होने पर नहीं है, नाम ही क्यों लेते हो, ये वही तो कह रहे हैं। लेकिन मैम, जब इसमें ये कहा जाता है कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है या इसमें और तरह की दलीलें दी जाती हैं, तब ये सवाल उठता है कि यूसीसी का विरोध क्यों किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? सैयद असीम वकार, आपके लिए खास तौर पर ध्यान से सुनिएगा। कोई स्टेट गवर्नमेंट के हिंदू मैरिज एक्ट में अमेंड कर सकती है? पार्लियामेंट का एक्ट है, पार्लियामेंट का एक्ट है। इसीलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने कहा कि अगर आपको रिलीजियस लॉस पसंद नहीं है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करिए, आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, वो इस्तेमाल करिए। और क्या हिमाचल प्रदेश में कोई जाकर एग्रीकल्चर लैंड ले सकता है? नहीं ले सकता, सेक्शन 18 टेनेंसी एक्ट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आप अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं। और ये होगा क्या कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भाजपा लाएगी तो मुसलमानों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और हमारे हिंदू भाइयों के लिए हिंदू कोड होगा, आप कल्चर के नाम पे प्रोटेक्शन दे देंगे। हमारा जो कल्चर है आर्टिकल 29 में हमको प्रोटेक्शन है, आप उसको खत्म करना चाहते हैं, जो अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। हमने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के लिए उनका कल्चर का प्रोटेक्शन दिया है, क्या आप वहां पर आग लगाना चाहते हैं? आप लोग वहां पर नॉर्थ ईस्ट में उनका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिजोरम, नागालैंड, इन तमाम आसाम, इन जगहों पर
क्या वहां पर करेंगे? सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम अकलियत को उनके मजहब से, उनकी मजहबी शनाख्त को कमजोर करके रख दिया जाए। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी से, क्या यह बात सच नहीं है कि बाबा साहिब अंबेडकर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वॉलंटरी होना चाहिए, रजाकाराना होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए? और बाबा साहेब अंबेडकर ने यह कहा था कि अगर कोई किसी मजहब को नहीं मानता, उसके रिलीजियस बिलीफ्स नहीं है, तो वो ऐसे कानून को माने। और हमारे देश में वैसा कानून है। कौन सा कानून है? वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है। आप ये कानून इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी मजहब को नहीं मानते, मगर भाजपा सिर्फ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। और चुनाव से पहले भाजपा की हमेशा ये आदत रही है कि इन मसलों को उठाया जाए ताकि अपनी वोट की राजनीति को या फिर अपने वोट को हासिल किया जाए। प्रेम शुक्ला जी, ये कुछ इन्होंने टेक्निकल पहलू भी उठाए यहाँ पर। उन्होंने कई एक्ट्स का हवाला दिया, उन्होंने ये कहा कि किस तरह से जो मौजूदा कानून है उनमें इतने प्रावधान है कि अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो यूसीसी की जरूरत नहीं है आपको, उस पर वो आप क्या कहेंगे? देखिए, संविधान निर्माताओं को भी इस बात का ज्ञान था, और संविधान निर्माता और क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को कानून का ज्ञान नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खरे को इसका ज्ञान नहीं था? हर किसी को ज्ञान था ये। और ये बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं इनको ट्राइबल्स की चिंता है। तो साहब, ट्राइबल्स हम वार्ता करेंगे, उनकी संस्कृति को अक्षुण रहते हुए हम कैसे यूसीसी लागू कर सकते हैं, इस पर विमर्श करेंगे। मुसलमानों को तो समस्या ही नहीं ना, तो छाती क्यों पीट रहे हैं? असीम वकार से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक, जब इनको प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई आइए यूसीसी ले आइए, तो आप चिल्ला क्यों रहे कि सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं? आप दोनों बातें कैसे कर सकते हैं? या तो हम राजनीति कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं। और अगर मुसलमानों के किसी अधिकारों पर, उनकी रीति रिवाज पर ये प्रहार ही नहीं है, तो चिंता क्यों कर रहे हैं? ये एंटी मुस्लिम कैसे हो जा रहा है? ठीक जवाब तो बताइए। देखिए, इसी देश में एक बिल है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि धर्मों के हिसाब से कानून है। वैसी साहब ने जो बात कही है उसकी गहराई को समझिए। नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं, वहां जो कबीले हैं, उनको संविधान में यह आश्वासन दिया गया है उनके कल्चर, उनके रिचुअल्स की हिफाजत का। जितने भी उनके कल्चर थे उनको बदला नहीं जाएगा, छेड़ा नहीं जाएगा। उनके जो रिचुअल्स हैं उनको कहीं भी उनको छेड़ा नहीं जाएगा। वो जैसे मनाते हैं वैसे ही मनाएंगे, उनके के जो सिस्टम है वो वैसे ही करेंगे, उनके खाने पीने। अब मैं बताऊं आपसे, देखिए बात छोटी सी है, समझने वाली बात है। नॉर्थ ईस्ट में कुत्ता खाते हैं, मुसलमान नहीं खाते, बाकी धर्म नहीं खाते। तो आप जब लेके आएंगे तो एक कोड भी लेके आएंगे सबके लिए, तो क्या पूरे भारत के लिए कुत्ता लाजिम कर देंगे या नॉर्थ ईस्ट में बंद कर देंगे? मेरा सवाल है ये आपका सवाल फिर है। सारे पॉइंट पे बात होगी ना। खाने पे कहाँ लिखा है? एक सेकंड सैयद असीम कैसे बनाइएगा? अरे नहीं सर, एक सेकंड सुनिए, तो यूसीसी में ये कहाँ लिखा है कि सुबह का नाश्ता में ये ऑप्शन होंगे, लंच में ये खाया जा सकेगा, फिर अगर इवनिंग टी लेनी है या किसी को टी नहीं, या सभी को इवनिंग टी लेनी है कि किसी को, सभी को सत्तू पीना है कि सभी को कॉफी पीनी पड़ेगी शाम को 4 बजे 4:30 बजे किसी का मन कर रहा है, फिर रात को खाने में क्या खाना है। अब जैसे कोई दूध पीने की अगर किसी को सोने से पहले आदत है, तो अब यूसीसी ये बताएगा कि सोने से पहले दूध पी सकते हैं या नहीं पी सकते, सोने से पहले आप कितना घंटा पहले खाना खा लें, सुबह 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ दें, ये सब सर यूसीसी का काम है सब। हाँ सुनिए, जब यूसीसी आप लेकर आएंगे तो आप जो इखलाक का आपने फ्रिज चेक करा के उसकी हत्या करा दी, ये पूरे देश में लागू कर देंगे या फिर किसी का फ्रिज चेक नहीं होगा?
जैसे पहलू खान को गाय की रस्सी पकड़ने पर इसलिए मार डाला गया। अब मुद्दे से भागिए मत, अभी आप पूछ रहे थे खाने को लेकर, आपने यूसीसी को जितना ट्रिविलाइज करने की कोशिश की। खाने तो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, आपने यूसीसी को जितना ट्रिविलाइज करने की कोशिश की है सर, यहाँ पर जितना ट्रिविलाइज करने की कोशिश की है सर, एक एक पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से। देखिए आप समझ सब रही हैं, थोड़ी सी गंभीरता लेकर आइए सर इस तरह के डिस्कशन में। आप सब रही हैं, मजबूरी में समझता हूँ। नहीं नहीं, आप अपनी मजबूरी संभालिए, आप होंगे IMIM के प्रवक्ता, सुनिए। नहीं नहीं, आप अपनी मजबूरी भी संभालिए, अपना डर भी संभालिए, खुद को भी संभालिए, अपनी पार्टी को संभाल सकते हैं तो संभालिए, खुद को पार्टी में संभाल सकते हैं तो संभालिए, वो आपका काम है, वो अदिति त्यागी का काम नहीं। अब जवाब लीजिए प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले तो आज मैं चाहती हूँ, अब मुझे ये भी अपने आप में बहुत, मैं क्या कहूँ, इनकी बातें सुनकर मुझे इस समझ में नहीं आ रहा कि यही दुष्प्रचार है शायद यूसीसी पर, कि आम व्यक्ति तक इसे लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं पहुंच रही। और मैं ये चाहूंगी कि जब यूसीसी की बात आपकी पार्टी करती है तो उसे बाकायदा बिंदुओं के माध्यम से ये एक्सप्लेन करना चाहिए, खासतौर पर जब खाने पर सवाल उठने लगे, जैसा कि आपने सुना, अभी पूछ रहे थे सैयद असीम वकार, यूसीसी आ जाएगा क्या सब कुत्ता खाने लगेंगे, कैसी बातें होती हैं सर यूसीसी पर, आप भी थोड़ा सा और अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड, लेकिन लेकिन जो अवेयर होने को तैयारी, यूसीसी में खाने का मुद्दा कहां आ गया? अब भाई कौन कुत्ता खाना चाहता है, कौन सुअर खाना चाहता है, जो भी प्राणी जहां पर संरक्षित नहीं हो, प्राणियों को कहां कौन कैसे खाना चाहता है, वो खाए किसने, इस पर बात की भाई, ये तो अनायास परेशान है। अब ये कह रहे थे काउ प्रोटेक्शन बिल लाना चाहिए, प्राइवेट बिल जो है इनसे कह दीजिए ना कि असदुद्दीन ओवैसी इंट्रोड्यूस कर दें, इनके दो सांसद हैं, काउ प्रोटेक्शन बिल ले आए ना, किसने मना किया इनको, वकार साहब कहिए असदुद्दीन ओवैसी से, शायद काउ प्रोटेक्शन बिल ले आए, सैयद असीम वकार दूसरों की मजबूरी बता रहे थे, इनकी मजबूरी होगी, पॉलिटिक्स में है, इसलिए यूसीसी जैसे गंभीर मुद्दे को किस पॉइंट पर ले गए आपने खुद ही देख लिया। हमारे पास बहस के लिए वक्त इतना ही है, खबरें जारी है, आप रहिए हमारे साथ।